सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ज्ञान धर्म एवं शक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन इसका फल सदैव मीठा ही होता है। कष्ट और विपरीत मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव विजयी होते हैं। कुछ चीजों का हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए अगर वह हमारे सामर्थ्य से बाहर है। आज का पंचांग 12 मई 2022 दिन गुरुवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 6:51 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 7:30 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:01 से 3:39 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। तुला राशि 12 मई 2022 दिन गुरुवार, आप आज किसी अपराजेय शक्ति कुंज के समान महसूस करेंगे और किसी भी विरोध पर आसानी से विजय हासिल कर लेंगे। आज के दिन उस काम को करने का बहुत अच्छा दिन है जो आप काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज आपको कोई नहीं रोक सकता। आज के दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी बुजुर्ग से संबंधित समाचार आपको दुखी और अकेला महसूस कराएगी। चिंता ना करें, बदलाव जरूरी है। ऐसे रिश्ते से बचे जो आपको धोखा देने की तलाश में है, खासकर जब आप सबसे कमजोर होंगे। आज का विषय आंतरिक जागृति है। मन के अंदर की गहरी आत्मनिर्भर प्रक्रिया और मानसिक उत्तेजनाएं आपको अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। आपकी सोच में कोई भी उदासीनता या चिंता नहीं है। याद रखें, अपनी अंत आत्मा को छोड़कर किसी के भी आगे सर न झुकाएं। आज ग्रह स्थिति यह मैसेज दे रही है कि सोच और अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें। कोई पारिवारिक विवाद किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से हल हो जाएगा और आपसे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आपके संयम और धैर्य की परीक्षा हो सकती है। हर एक बार मन के विरुद्ध होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको निर्णय पर टिके रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक आपका साथ दिया है उनको आपकी मदद की अपेक्षा हो सकती है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का टारगेट पूरा हो पाना कठिन महसूस होगा, लेकिन इच्छा शक्ति के बल पर आप अपना काम करते रहेंगी। पार्टनर्स अपने सहयोग को, पार्टनर अपने अहंकार को काबू में रखें। मन में बढ़ रही नकारात्मकता सेहत पर असर दिख सकती है। सरकारी प्रभारियों के लिए संभल कर काम करने का दिन है। सरकारी सूचना व जनसंपर्क अधिकारियों को खास जिम्मेदारी मिल सकती है। बेरोजगारों के लिए शुभ सूचना के मामलों में प्रतीक्षा लंबी हो सकती है। शारीरिक शिथिलता भी रह सकती है। बेड डिजाइनरों को अच्छा काम मिल सकता है। पुरानी नौकरी वाली कंपनी में पैसा मिल सकता है। काम धंधे बदलने के मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में ना करें। लिपिक वर्ग की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अनुकूल दिन है। धार्मिक क्रियाकलापों में विशेष रुचि बन सकती है। अविवाहित युवाओं को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। सिर में दर्द या खिंचाव भी रह सकता है। सावधानियां, आकस्मिक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे कि जिन पर कटौती करना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक कसमकस बनी रहेगी। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें।
स्वभाव में अहम की भावना ना आने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। कामकाज में चल रही परेशानियों का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर हावी ना होने दें। इस समय धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी है। आप अपने प्यार की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आप अपनी भाव गंभीरता के द्वारा उनसे तो आप अपनी भाव गंभीरता के द्वारा उसमें एक नई जान फूकेंगे। अगर आप एकल हैं तो आप एक संभावित साथी को ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। आपके प्रयास सराहनीय होंगे और आपकी प्रेम से भरी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आएगा। तन्हाई और अकेलेपन का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके सितारे बता रहे हैं कि जल्द ही किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होगा। इस स्पेशल संबंध को ऐसे ही जाने ना दें, बल्कि आगे बढ़कर इसका स्वागत करें। दोस्तों से मिला धोखा आपको परेशान कर सकता है। आप हमेशा गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। आज आप अपने नए कार्य की शुरुआत के लिए तैयार हैं। अपने दिल की बातों को अपने साथी से बांटें और निश्चिंत रहें। कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक आपको परेशान नहीं कर सकती। गलत फहमियों को अपने प्यार के बीच में ना आने दें। बात करते हैं करियर की। शेयरों में दीर्घकालीन निवेश करना चाहते हैं तो अभी समय आपके पक्ष में नहीं है। दान धर्म या खुद के लाभ के बारे में सोचें। दान धर्म या खुद के लाभ के बारे में सोचे बिना कोई काम करना आपको संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। उन लोगों के साथ अच्छे रहें जो आपके साथ अच्छे हैं और धोखे से बचें। इस बल आंतरिक जागृति आपके जीवन की प्राथमिकता है। आज आप अपने बारे में अनिश्चित हैं, इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। यह आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों या उद्देश्यों के मूल्यांकन और संशोधन करने का सही समय है। अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन करके आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आज आप एक चिंताशील अवस्था में भी रहेंगे। आप अपने उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना जिसमें गहरी सोच और चिंतन शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपके वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकते हैं। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां भी बनी रहेगी। अपने आप को साबित करने के लिए अभी बहुत अधिक संघर्ष और मेहनत की जरूरत है। व्यवसायिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। किसी महत्वपूर्ण अथवा राजनीतिज्ञ व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। बात करते हैं सेहत की। आप कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को ना अपनाना चाहते हो, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करें। आप उस पर अब नहीं चल पाएंगे। इसके बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। आज का उपाय। आज आप साईं बाबा जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।